वहीं ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सीरत पाक कमेटी द्वारा तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में एक दिवसीय ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवा वर्ग ने हिस्सा लिया। सीरत पाक कमेटी शहर दुर्ग के द्वारा ईद मिलाद-उन-नबी के पूर्वाहार मौके पर दुर्ग में विभिन्न आयोजन कर जश्न-ए-आमद-ए-रसूल की खुशी मनाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के वार्ड तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में एक दिवसीय ब्लड डोनेट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा वर्ग के साथ ही अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सीरत पाक कमेटी के सदर जुबैर अशरफ ने बताया कि इस रक्तदान आयोजन में लगभग 60 यूनिट ब्लड अब तक हो चुके हैं। वहीं शाम तक 100 से भी अधिक यूनिट ब्लड होने की संभावना उन्होंने जताई। साथ ही बताया कि इस अवसर पर प्रत्येक रक्तदान करने वालों को कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। इस संबंध में न्यूज टीम को कमेटी के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समाज सीरत पाक कमेटी शहर दुर्ग द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें से दूसरे दिन आज ब्लड डोनेट मुस्लिम सराय तकियापारा दुर्ग में स्थित यहां पर बड़े आयोजन शिविर किया गया और बहुत ही बढ़ चढ़ कर युवाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया। और बहुत खुशी की बात है कि अभी तक 50 से 60 यूनिट यहां पर युवाओं ने यहां पर रक्तदान किया है और शाम तक बहुत से लोग यहां पर जुड़ेंगे। मैं तमाम शहरवासियों को जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर सीरत पाक कमेटी की तरफ से आप सभी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर सीरत पाक कमेटी के द्वारा आज रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें सीरत पाक कमेटी के सदस्य और भी बहुत सारे भाई हैं जो आज रक्तदान दिए हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। अभी 50 से 60 लोग हिस्सा ले चुके हैं और ये कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और भी जो है लोग आए हुए हैं और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे चालू है, शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।